देता है, यानी इंडिया गठबंधन। देखिए राजीव जी, जिस तरह से मीडिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबरें चल रही थी कि इंडिया अलायंस टूट गया और उत्तर प्रदेश में कोई अलायंस नहीं होने जा रहा है, आज मुझे लगता है कि दोनों दलों ने ये ऐलान करके उनके गाल पर तमाचा मारा है, लेकिन वो कभी अपना पुनरीक्षण नहीं करेंगे, ये हम लोग जानते हैं। दूसरा ये कि ये गठबंधन कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसके बारे में अगर आप विचार करें तो आपको लगेगा कि ये 1993 में जब कांशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया था, एक साथ वो आए थे, उस समय के पूरे बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद के सांप्रदायिक माहौल में, और अभी 22 जनवरी को वो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उस समय कोशिश की गई कि उस लहर में बीजेपी 400 पार हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि राम मंदिर की वजह से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इस बात को नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं और इसीलिए 24 घंटे के भीतर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, वो उनके हाथ से छिटक रहा है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। और इधर वो लगातार नीतीश कुमार को अपनी तरफ लाना हो या जयंत चौधरी को करना हो, अशोक चव्हाण को लाना हो, ये जो विपक्ष के तमाम नेताओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ रही है, वो दिखाता है कि वो कितनी बेचैन है, कितनी डरी हुई है। ये नारा कि 370 हम पार करेंगे, 400 एनडीए लेकर के आएगी, ये केवल एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश है, एक लोगों को केवल गुमराह करने की कोशिश है, हकीकत उनको पता है। आज जो डेवलपमेंट हुआ है सपा और कांग्रेस के बीच का गठबंधन का, इसकी जी बेहद जरूरत थी उत्तर प्रदेश में, और मैं समझता हूं कि ये सपा और कांग्रेस के गठबंधन से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का गठबंधन है। लोग देख रहे थे कि कब ये राजनीतिक दल एक साथ आए, अभी लोगों की ये भी उम्मीदें हैं कि मायावती भी अगर इस गठबंधन में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन राजीव जी, ये भी तय है कि जो इंडिया अलायंस के बाहर रहेगा उसे लोग बीजेपी का ही सहायक मानेंगे, इस बात को जी मायावती समझें या ना समझें, लेकिन जो भी इस बार बाहर रहेगा वो साफ भी हो जाएगा और वो हमेशा के लिए उस पर टैग भी लग जाएगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है, मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, कि राहुल गांधी तो खुल करके कह रहे हैं, बेखौफ होकर के कह रहे हैं, क्रांति वीर की तरह। नाना पाटेकर का डायलॉग मुझे याद आ रहा था जब मैंने प्रतापगढ़ में उनको सुना, जब वो कहते हैं कि ये कलम वाली बाई है और ये इनके लिए क्रांति करने के लिए निकली है, ये बुजदिल लोग हैं। राहुल गांधी ने वही कहा कि तुम लोग डरे हुए हो, तुम लोग सोए हुए लोग हो, तुम्हारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तुम्हें तुम्हारी आबादी तक नहीं बताई जा रही है, तो ऐसे में उठ करके जागो। और उन शब्दों में मुझे कई बार बाबा साहब अंबेडकर याद आ रहे थे, कई बार कांशीराम याद आ रहे थे, और वो पूरा सामाजिक आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन, कि जिसमें लोगों के भीतर कैसे चेतना पैदा करना है कि अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके। राहुल गांधी ने कहा एक नौजवान से कि रोने से रोजगार नहीं मिलेगा, खड़े होना पड़ेगा इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। तो ये जो क्रांतिवीर राहुल गांधी जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं, और वो उम्मीदों की जो रेला है वो जमीन पर दिख रहा है। जो लोग लखनऊ में थे उन लोगों ने बताया, मैं तो नहीं गया था, लेकिन उन लोगों ने बताया कि जो दीवानगी थी राहुल गांधी के प्रति, और राहुल गांधी बेखौफ निडर, कोई चिंता नहीं उस व्यक्ति को कि इतनी भीड़ में कहीं कोई उस तरह का कोई मस्खरा ना आ जाए, कोई बदतमीजी ने कर दे, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से मिल रहे लोगों से, लोग भी उतना ही अपना हृदय लेकर के उनके सामने है। और आज अखिलेश यादव के साथ जो उनका गठबंधन हुआ है, वो मैं फिर से कह रहा हूं कि 1993 की तरह का गठबंधन होगा जो बीजेपी को दिल्ली से दूर करेगा। वो जो 80 वाली बात कर रही है बीजेपी ना, यहां पर अगर आधी सीटें भी बीजेपी को मिल जाए तो बहुत बड़ी सफलता होगी, और अगर 40 पर इस गठबंधन ने रोका तो फिर दिल्ली दूर हो जाएगा। इस बात को नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, और अखिलेश यादव राहुल गांधी का जो एक साथ आना है, और जो बनारस की सीट कांग्रेस पार्टी ने ली है, मुझे तो ये लगता है या मैं सोचता हूं कि बनारस से कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ जाए तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। फिर एक गंगा का बेटा है और दूसरा दलित का बेटा अगर आ जाएगा
वंचित तबके का बेटा आ जाएगा, अंबेडकर का बेटा आ जाएगा, तो लेने के देने पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को। जिस तरह से उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीना है, संविधान को तार तार किया है, लोकतंत्र को कमजोर किया है, अगर खड़गे साहब उत्तर प्रदेश में बनारस सीट से लड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी को उल्टे पांव भागना पड़ेगा और यहीं से वो गठबंधन मजबूती के साथ दिल्ली की तरफ कूच करेगा। ये भी तय है कि प्रधानमंत्री को अपने सामने रखी हुई नेम प्लेट पर प्रधानमंत्री भारत लिखना पड़ा, वो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा था, तो वो प्रोटोकॉल जो था उसको भी उन्होंने फिर तोड़ा। लेकिन ये मोदी जी की अपनी फितरत है, उनको तोड़ने में बड़ा मजा आता है। वो देश हो, समाज हो, या कोई नियम हो, मान्यताएं हो, संविधान हो, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन इस देश को इतनी आसानी से तोड़ देना, विभाजित कर देना, मुझे लगता है कि नहीं संभव है। और यही वजह है कि दो झटके खाने के बाद ही, ऐसे इसको मेडिकल साइंस की भाषा में जो तीसरा हार्ट अटैक बड़ा खतरनाक होता है जी। तो दो बार तो झटका लग चुका है देश को, लेकिन तीसरा अटैक नहीं होने जा रहा है। उसको संभालने के लिए लोग तत्पर हैं और उसी का एक आज उद्घाटन हुआ उस उत्तर प्रदेश में कि जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये गठबंधन हुआ और ये इंडिया अलायंस की उस मजबूती को दिखाता है कि नीतीश कुमार भले ही चले गए हों या कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को भले ही तोड़ लिया गया हो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, 19-20 का तो फर्क होता है जब बीजेपी के पास पूरा मीडिया मैनेजमेंट हो, आईटी सेल हो, तो निश्चित रूप से वो कोशिश करते हैं कि नैरेटिव ऐसा सेट किया जाए कि जिसके जरिए इंडिया अलायंस को आप कमजोर दिखाएं। लेकिन उस नैरेटिव को ब्रेक करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति सड़क पर है जो बेपरवाह है किसी भी परिस्थिति के से, जो संघर्ष कर रहा है। और आप जो दृश्य दिखा रहे हैं राजीव जी, मुझे तो ये लगता है कि क्या मोदी जी कभी एक घंटे के लिए भी इस स्थिति में आ सकते हैं? जो बोलते हैं कि मैं चाय बेच करके आया, भिक्षा मांग करके आया, और मेरी माँ तो बर्तन मांजती थी, मैंने बड़ा गरीबी में दिन गुजारे हैं, लेकिन असल में परीक्षा होती है जमीन पर। और लोगों का दिल ऐसे लोगों से जुड़ा होता है जो जमीन पर हो। मोदी जी आधे समय तो हवा में उड़ते हैं और आधा समय वो 8 करोड़ की गाड़ी में रहते हैं, तो उनका दिल का रिश्ता नहीं है इस देश के साथ, वो हमेशा दिमाग से खेलते हैं। और मैं तो कई बार कहता हूं कि ये जो भारत है वो असल में गुजराती उपनिवेश बन गया है, और दूसरा अगर नाम दे तो वो हिंदुत्ववादी उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी उपनिवेशवाद के खिलाफ, जैसे कभी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ गांधी, नेहरू और अंबेडकर सामने आए थे, भगत सिंह ने कुर्बानियां दी थी, वैसे ही राहुल गांधी सड़क पर आकर के लोगों के न्याय के लिए, वो हाथरस की बेटी के लिए भी लड़े थे, वो भट्टा परसौल में भी किसानों के लिए गए थे, और आज सीमा सरहद पर दिल्ली के किसान वो लड़ रहे हैं और दिल से लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस दौर में बदल गए। वो मीडिया जो सच में सरकार की गलत नीतियों को क्रिटिसाइज करता था, आज भौंपू तंत्र में बदल गया। लेकिन उस मीडिया के इर्द गिर्द ही, उसी दिल्ली के पास, वो जो किसान हैं वो खड़े हुए हैं और अल्टीमेटम दे रखा है उन्होंने। वो अब उसके लिए तैयार नहीं है कि मोदी जी वहां 750 किसानों की जान ले लें और उसके बाद उनको लगे कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, और लेना चाहते थे क्या कि और किसान शहीद हो जाते, उसके बाद आपको याद आती कि नहीं साहब चलिए अब तपस्या पूरी हुई, 750 नहीं 7 लाख लोग मर गए, तो फिर आपको लगता है कि नहीं अब ठीक है, अब दीर्घकालीन कानून वापस लेने भी चाहिए। क्या हो रहा था उस तालाबंदी में? लोगों के पैर लहूलुहान थे, अपने जानवरों को तो तरह हकाल दिया था, वहां पर महिलाएं बच्चे भूख प्यास से दम तोड़ रहे थे, और तब भी मोदी जी को याद नहीं आ रही थी कि हमारे देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है। मोदी जी को कब याद आता है? जब चुनाव नजदीक आता है, उस समय वो मन की बात से लेकर के न जाने कौन कौन सी बातें सुनाने लगते हैं। तो जो उन्होंने देश के लोगों के साथ किया, जो छला, चाहे वो किसान हो या नौजवान, 2 करोड़ रोजगार आप प्रति वर्ष दे रहे थे और मिला क्या?
सड़क पर पुलिस वालों की लाठियां, और यहां क्या मिल रहा है, वो आंसू गैस के गोले। तो देश तो समझ रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं वो तीसरा झटका सहने के लिए तैयार नहीं है, और यही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है, यही रणनीति। यहां तो खुला खेल फरुखाबादी है, राहुल गांधी कुछ छुपाते नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई और साजिश करते हैं, वो तो देश बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए सड़क पर खड़े हुए हैं। तो उस व्यक्ति का आप क्या छीन लेंगे, क्या लेकर के जाएंगे, जिसने सत्ता का पूरा प्रलोभन छोड़ दिया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो वो बन गए होते 2009 में ही, उनको कौन रोकता था। लेकिन नहीं, जो व्यक्ति इस देश में गरीबों के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जीना चाहता है, और वही व्यक्ति लोगों के बीच में आता है, जो हवा में उड़ता है, जो 8 करोड़ की गाड़ी में चलता है, वो देश के लिए नहीं अपने लिए जीता है, और इस बात को अब देश समझ रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी की कोई भी रणनीति अब सफल नहीं हो रही है, क्योंकि इस देश के लोग अब तीसरा झटका खाने के लिए तैयार नहीं है, वो जानबूझकर के हार्ट अटैक करने के लिए तैयार, और यही आपको बिल्कुल दिख रहा है।